हाँ, कल के लेक्चर में हम लोग वायुदाब समीकरण के बारे में हमारी बात चल रही और उस वायुदाब समीकरण में हमने एनआई का वैल्यू निकाला था और एनआई का वैल्यू आया था हमारे पास एन एच क्यू एम जी अपॉन एकेटी 2 पाई एम केटी की पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस के एम जी जेड अपॉन केटी प्लस, या ये भी माइनस है क्योंकि दोनों ही टर्म माइनस की है, माइनस ए आई स्क्वायर अपॉन के टी 2mkt, 2m और आएगा ना इसके साथ, पी ये पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है ना, ठीक है। अच्छा देखो, जरा अपन क्या करते हैं, अपन इसको थोड़ा सा ओपन करके और लिखते हैं, या एन आई इज इक्वल टू एन एम जी अपॉन ए के टी 2πm kt की पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस के एम जी जेड अपॉन के टी माइनस थ्री आई स्क्वायर अपॉन 2m kt। और ये जो h क्यूब है, इस h क्यूब को अपन dx dy dz dpx dpy dpz की फॉर्म में लिख लेते हैं, dx dy dz dpx dpy dpz। अच्छा देखो, अब क्या करता है, ये एक टर्म यूज लेता है, उस टर्म में ये क्या कहता है, वो कहता है कि अगर मान लो आपके पास कोई वैल्यू हो d6n, अगर आपको कुल परमाणुओं की संख्या निकालनी हो तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो d6n है इसका अगर 6 बार समाकलन कर दें आपको एन मिल जाएगा। तो ये क्या करता है, इस पूरी टर्म को इसकी फॉर्म में लिखना चाहता है, मींस वो कहता है कि ये जो वैल्यू है, क्योंकि हमारे पास 6 कंपोनेंट है डीएक्स डीवाई डीजेड डीपीएक्स डीपीवाई डीपीजेड, अगर ये एनआई का मतलब एक छोटा मान है, एक कुल कणों की संख्या के रेस्पेक्ट में ये वैल्यू कैसा है, कम है, कम का मतलब अल्पांश है, एक अवस्था के अणु है, अगर ऐसी बहुत सारी अवस्थाएं हो तो अपन इसका, तो अपन क्या करते हैं, इसको हमारे पास लिखने का एक तरीका होगा d6n, ऐसे लिखना पड़ेगा। मीनिंग क्या है इसका, मीनिंग सिर्फ इतना है कि ये जो ni है iv अवस्था में कणों की संख्या है, किसी आयंत कला कोष्ठका में कणों की संख्या। अब ऐसी बहुत सारी कला कोष्ठकाएं हैं पार्टिकल में, जो आपके पास जो गैस का आयतन है उसमें ऐसी बहुत सारी कला कोष्ठकाएं हैं, मीन्स गैस का अणु बहुत सारे कला कोष्ठकाओं में क्या कर सकता है, गति कर सकता है। और अपन ने उसकी ये स्थितियां मानी है कि उसके पास डिस्टेंस ट्रेवल करने की भी क्षमता है, क्योंकि अगर भाई मान लो वेलोसिटी है तो वो कहीं ना कहीं चलेगा भी, तो दूरी को भी चेंज करेगा, और वेलोसिटी है तो उसके पास मोमेंटम भी होगा, संवेग भी होगा, दोनों चीजें हैं। तो अपना काम क्या किया, अपन ने ये किया कि इसको इस तरीके से लिखा, हम कुल अणुओं की संख्या निकालेंगे तो अपन ये कह देंगे कि इस समीकरण का 6 बार समाकलन कर लेंगे अपन। मतलब ये है इस सब का, जैसे आप लोग डीएन लिखते हो, डीएन लिखने का मतलब क्या है, डीएन लिखने का मतलब है जैसे मान लो आपके पास एन अणुओं की संख्या थी टोटल, उसमें से कुछ अणु ले लिए आपने, ये डीएन है। लेकिन यहां अणु एक स्थिति में नहीं है, यहां जो अणु है, जैसे भाई अपन ऐसे कहते थे सब कोई रेखा है, उसका एक अल्पांश ले लिया आपने डीएक्स, आप सर जी इसका इंटीग्रेशन कर दो तो आपको उस रेखा की पूरी लंबाई मिल जाएगी, आप इसकी इस लिमिट से लेके इस लिमिट तक एक लिमिट लगा दो तो आपको इसकी पूरी लेंथ मिल जाएगी, ऐसा ही तो करते हो। अगर मान लो वो कोई क्षेत्रफल हो, मीन्स उसमें 2 डायरेक्शंस हो, तो क्या करते हो आप, 2 बार समाकलन करते हो डीएक्स डीवाई, यही करते हो। अगर मान लो 3 स्थितियां हो तो, अगर 6 स्थितियां हो तो, एक के लिए जैसे dx लिख रहे थे, अगर 2 स्थितियां होती तो
डी स्क्वायर एक्स, तीन एक ही स्थिति की, तीन होती तो डी क्यूब, छह होती तो, इसलिए हमने उसको लिखने का तरीका हमारे पास क्या है, डी सिक्स एन है, एन एम जी अपॉन ए के टी। अपन ये करते हैं, इस टू पाई एम के टी को ऊपर ले जाते हैं, माइनस के थ्री बाई टू एक्सपोनेंशियल माइनस के एम जी जेड अपॉन के टी माइनस पी आई स्क्वायर अपॉन टू एम के टी डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड। अगर अणुओं की कुल संख्या निकालना चाहो तो इसका क्या कर दो, छह बार समाकलन कर दो, आपको अणुओं की कुल संख्या मिल जाएगी, एन आ जाएगा। अपन क्या करते हैं, इसमें से पहले तीन बार समाकलन करते हैं, इसका मीनिंग एक ही है, इन दोनों चीजों का मतलब वही है भाई, अपन वही तो बता रहे थे, एनआई का मतलब जैसे मान लो, फिर वही बात, जैसे आपके पास मान लो किसी एक स्थिति में अणुओं की संख्या एन, दूसरी स्थिति पर बढ़ के गए अणुओं की संख्या एन प्लस डीएन, कितना अंतर है डीएन, ये तो किसी एक स्थिति में है, लेकिन हमारे पास जो स्थिति है वो इन छहों के रिलेटेड है, मतलब जो भी अंतर आएगा, अगर मान लो कण किसी x डायरेक्शन में गया तो भी डिफरेंस, x y में चला गया तो भी डिफरेंस, x y z में चला गया तो भी डिफरेंस, dp कण का वेलोसिटी चेंज हुआ किसी एक डायरेक्शन में तो भी डिफरेंस, यानी दो डायरेक्शन में चेंज हुआ तो डिफरेंस, और तीनों डायरेक्शनों में चेंज हुआ तो डिफरेंस, मींस एक स्थिति से जब दूसरी स्थिति पर पहुंचोगे तो क्या क्या चेंज हो सकता है, वो सारी स्थितियां हैं, एक्स है वाई है जेड है डीपी एक्स है डीपी वाई है डीपी जेड है, वो सारी की सारी चीजें क्या हो सकती हैं, चलो हाँ, तो हमारे पास इसको लिखने का एक मीनिंग हो गया। अपन क्या करते हैं, अपन इसको तीन बार समाकलन कर लेते हैं, ठीक है, चलो जरा आओ इसको एक इक्वेशन दे देते हैं, चलो जरा एक इक्वेशन बोल देता हूं इसको, समीकरण एक का तीन बार समाकलन करने पर, और अपन तीन बार समाकलन में क्या करते हैं, जो dpx dpy dpz वाली जो कंडीशन है उसको इंटीग्रेशन में शामिल कर लेते हैं। इसका अगर तीन बार समाकलन करोगे तो क्या बचेगा आपके पास, dqn, तीन तो गए, चलो देखो n mg 2 pi m kt की पावर माइनस के 3 by 2 अपॉन akt, इसको जरा एक्सपोनेंशियल माइनस के एम जी जेड अपॉन के टी डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है, इसको तो यहां रख लिया अपन ने, इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल माइनस के पी आई स्क्वायर अपॉन टू एम के टी डी पी एक्स डी पी वाई और डी पी जेड। इस पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन कई बार पढ़ा है हमने, ये क्या होता है 2 पाई एम के टी की पावर 3 बाई टू, चलो इसलिए डी क्यू एन इज इक्वल टू एन एम जी अपॉन ए के टी। देखो इस पूरे का इंटीग्रेशन 2 पाई एम के टी की पावर 3 बाई टू आता है, ये माइनस के 3 बाई टू है, इसका मतलब ये तो कैंसिल हट जाएगा, इसका मतलब आपके पास वैल्यू क्या बचेगी, एक्सपोनेंशियल माइनस के एम जी जेड अपॉन के टी डी एक्स डी वाई डी जेड, लिख देना जहां अपन ने क्या माना है इंटीग्रेशन, माना क्या वो वैल्यू आता है पी आई स्क्वायर अपॉन 2m kt का dpx dpy और dpz का जो वैल्यू आया है वो कितना होता है 2 pi m kt की पावर 3 by 2 होता है। तो
तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गया डी क्यू एन इक्वल टू एन एम जी अपॉन ए के टी एक्सपोनेंशियल माइनस एम जी जेड अपॉन के टी डी एक्स डी वाई डी जेड। चलो देखो जरा एक बार की ये, फिर अपन आगे की तरफ बात करते हैं। हाँ चलो ठीक है, तो आपके पास एक इक्वेशन आया डी क्यू एन इक्वल टू एन एम जी अपॉन ए के टी एक्सपोनेंशियल माइनस एम जी जेड अपॉन के टी डी एक्स डी वाई डी जेड। जरा आगे सुनो, अपन क्या करते हैं इसमें, अपन प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या निकाल लेते हैं। ये अणुओं की संख्या ही है, ये एनआई का मतलब ही डी सिक्स एन था बस। प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या एन होती है, क्या लिखा जाएगा डी क्यू एन अपॉन डी एक्स डी वाई डी जेड, ये आयतन होता है ठीक है। चलो इसका मतलब वैल्यू क्या आ जाएगा, एन इज इक्वल टू एन एम जी अपॉन ए के टी एक्सपोनेंशियल माइनस के एम जी जेड अपॉन के टी ठीक है। अपन मान के चले एक परमाणु का आदर्श गैस के लिए ही बात कर रहे थे अपन, dx dy dz का भाग दोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, dx dy dz तो चले जाएंगे। चलो आदर्श गैस समीकरण से आदर्श गैस समीकरण से PV इक्वल टू RT लिख लेते हैं अपन, या फिर एन ए के टी काम चलेगा। अपन ने जब स्टार्ट किया अपन ने एन ए इक्वल टू एन माना था, ये जो अवोगाद्रो संख्या है एन के इक्वल होती है, मीन्स अपन जो कणों की संख्या लेके चल रहे थे अपन ने माना था कि वो कणों की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर है, मतलब मोल की मात्रा एक है, ये था कहने का मतलब। जैसे अपन पी वी इक्वल टू एन आर टी लिखते हैं, ये जो स्मॉल एन होता है वो क्या होता है मोलों की संख्या, और हमने मान लिया कि वो मोल का वैल्यू क्या है एक है, और वो कब पॉसिबल है जब एन ए का वैल्यू एन के इक्वल हो ठीक है। चलो इसलिए पी इक्वल टू एन ओवर वी के टी, एन ओवर वी क्या है एकांक आयतन में अणुओं की संख्या, इसको स्मॉल एन लिख सकते हैं, इसलिए एन के टी एन का वैल्यू रख दो, पी इक्वल टू एन एम जी अपॉन ए के टी एक्सपोनेंशियल माइनस एम जी जेड अपॉन के टी इंटू के टी, यही तो के टी है, तो पी का वैल्यू आ गया आपके पास एन एम जी ओवर ए एक्सपोनेंशियल माइनस एम जी जेड अपॉन के टी। ये जो वैल्यू है एन एम जी अपॉन ए, इसको वो एक मान मान लेता है, वो कहता है यहां पी नॉट इज इक्वल टू है एन एम जी अपॉन ए। देखो ये वैसे भी दाब का ही मात्रक है, ये पूरा पार्ट दाब का ही है, वो कैसे, एन क्या है कोई मात्रक होता है कणों की संख्या का, एम क्या है जी त्वरण, तो एम जी बल, बल बटे क्षेत्रफल क्या होता है दाब होता है, मीन्स ये दाब ही है। और इसको वो बोलता है कि ये जेड इक्वल टू जीरो मतलब पृथ्वी सतह पर कण पर दाब का मान है, समझे बात, ये क्या है ये पृथ्वी की सतह पर कण पर दाब का मान है, क्योंकि ये पूरा यूनिटी किसका है दाब का है, इसका जो मान आएगा वो, और इसलिए तो हमने उसको पी नॉट लिख दिया, वो स्टार्टिंग की पोजीशन।
क्यों? जब z इक्वल टू जीरो रखोगे तो e की पावर माइनस जीरो बन अपॉन e की पावर जीरो, और e की पावर जीरो क्या होता है, वैसे भी तो p का वैल्यू n mg अपॉन a आएगा। z इक्वल टू जीरो का मतलब हमने ये माना है कि वो पृथ्वी की सतह पर है। तो p इक्वल टू p नॉट एक्सपोनेंशियल mg z अपॉन k। और ये होता है आपके पास क्या, बैरोमेट्रिक इक्वेशन, वायु दाब। तो ये कहता है कि जेड का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, कण जैसे जैसे ऊंचाई पर जाना स्टार्ट करेगा, वैसे वैसे वायु दाब का मान कम होता चला जाएगा। जब ये जीरो, ये जेड और ये पी, यहां ये वैल्यू क्या है, पी नॉट है। ठीक है, देखो जरा ये बात, स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी है, पी नॉट ही आएगी। जेड का वैल्यू जब जीरो होगा तब तो ये वैल्यू वन बनता है, भाई ई की पावर माइनस जीरो या वन अपॉन ई की पावर जीरो, वैल्यू तो वन आएगा। देखो जरा एक बार की फटाफट से, फिर अपन आगे बात करेंगे। ये होता है वायु दाब समीकरण। बोलो, बताओ जरा बात समझ आई या नहीं आई। आगे बात करें, चलो करें भाई आगे बातचीत। अब भाई ये इधर वाला जो बैठा है, चलें चलो। अब जरा आगे की चीज देखो, अब अपन बात करते हैं द्विपरमाणु गैस के बारे में। द्विपरमाणु गैस, डायटोमिक गैस। जरा अपन द्विपरमाणु गैस के बारे में बात करते हैं। देखो द्विपरमाणु गैस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ दो परमाणुओं से मिलकर बनी हो, दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर जो गैस बनती है उसको अपन क्या कहते हैं, उसको द्विपरमाणु गैस कहते हैं। मीन्स दो या दो से अधिक। परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। प्रकृति में जो ज्यादातर गैसें होती हैं वो द्विपरमाणु की होती हैं। एक परमाणु गैस प्रकृति में बहुत कम होती है, अनुपलब्ध गैस रहती है, वो अवेलेबल नहीं होती इजीली। हीलियम, नियोन, आर्गन इजीली अवेलेबल गैस थोड़ी है, जिसको हम एक परमाणु मान रहे हैं वो इजीली अवेलेबल नहीं है। तो प्रकृति में ज्यादातर जो गैसें होती हैं, प्रकृति में इनकी क्या रहती है, उपलब्धता रहती है, मीन्स ज्यादातर अवेलेबिलिटी रहती है, ज्यादातर गैसें यही होती हैं। एक परमाणु गैस में क्या होता है, जो पदार्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर है, आंतरिक जो संरचना है, उसको अपन नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। एक ही पार्टिकल की तो बात करते हैं, इधर गया उधर गया उधर, उसके इंटरनल क्या है उसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं होती। लेकिन द्विपरमाणुक जो अणु होता है, उस द्विपरमाणुक अणु में जब दो या दो से अधिक अणु होते हैं तो उनके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, उनका व्यवहार किस तरीके से काम करता है उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, एक और प्रॉब्लम क्या होती है, ये एक परमाणु गैस होती है, इसमें सिर्फ स्थानांतरण की ऊर्जा होती है, इधर से उधर जाने की, मींस इसमें जो पूरी की पूरी एनर्जी है वो स्थानांतरण गतिज ऊर्जा होती है, ट्रांसफर एनर्जी होती है। लेकिन अगर पार्टिकल, दो या दो से अधिक पार्टिकल है, अगर मान लो जैसे दो पार्टिकल है, इनके पास ट्रांसफर की एनर्जी भी होगी, ये इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, पेयर बना के इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। तो एक तो इनके पास क्या होती है,
स्थानांतरण गतिज ऊर्जा, दूसरा क्या होता है, पार्टिकल के पास खुद के द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष घूर्णन की भी ऊर्जा होती है। जैसे अपन जड़त्वाघूर्ण के बारे में बात करते हैं, वहां घूर्णन की स्थिति आती है, मींस अगर स्वयं के अक्ष के सापेक्ष घूमता है तब तो जड़त्वाघूर्ण जीरो। जैसे अपन ने फर्स्ट उसमें मैकेनिक्स में आप लोग पढ़ते हो, जड़त्वाघूर्ण वहां आता है आपके पास, आई एक्स एक्स का वैल्यू तो क्या आता है, जीरो आता है। अपन जो डिफाइन करते हैं वो या तो आई एक्स वाई करते हैं और अपन लिख देते हैं साहब वो एम आर स्क्वायर होता है, ऐसे ही तो लिखते हो आप, मीन्स द्रव्यमान और उससे लंबवत दूरी, और एक अक्ष से दूसरा अक्ष लंबवत होता है, खुद कोई अक्ष अपने लंबवत नहीं हो सकता, कोई भी जो एक्सिस है वो खुद के परपेंडिकुलर तो हो ही नहीं सकता, मीन्स वो दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब उसके पास क्या होगी, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष घूर्णन ऊर्जा होगी। ठीक, तीसरी बात, दोनों जो पार्टिकल हैं, अगर दोनों पार्टिकल को मिलाने वाली जो एक्सिस है, जैसे आप लोग किसी स्प्रिंग से दो पिंडों को जोड़ दो तो उनमें क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। अगर आप उसको संपीड़ित करो तो प्रत्यास्थता के गुण के कारण फैल जाएगा, मीन्स उनमें क्या स्टार्ट हो जाएगा, वाइब्रेशन। तो अगर दो अणु हैं और अगर दो अणु किसी एक्स एक किसी अक्ष पर रखे हुए हैं तो उनके बीच में कंपन की ऊर्जा भी रहेगी, दोनों परमाणुओं को मिलाने वाली, भाई ये दोनों पार्टिकल वाइब्रेट तो हो सकते हैं, कंपन तो कर ही सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं सब फिक्स डिस्टेंस हो, आदर्श गैस तो हो ही नहीं, आदर्श होती तो अपन मान लेते सब। अच्छा, सिर्फ ये जो डिस्टेंस है ये क्रिस्टल में ही रहती है, अगर दो अणुओं के बीच की दूरी अगर नियत है तो वो सिर्फ क्रिस्टल में है, और क्रिस्टल ठोस होता है, गैस तो हो ही नहीं सकता, गैस तो सबसे अनस्टेबल स्टेट है भाई, ठोस अवस्था सबसे स्थायी अवस्था होती है। अपन मानते हैं कि उसके परमाणुओं के बीच की जो दूरी है वो नियत बनी रहती है, लगभग लगभग नियत, विकृति तो आ जाती है उसमें भी, ऐसा नहीं है कि ठोस में विकृति, हाँ क्रिस्टल के बारे में अपन ये कहते हैं कि क्रिस्टल में विकृति नहीं आती, क्रिस्टल जिस वर्ड को अपन कहते हैं, वहां अपन ये भी पढ़ते हैं, शायद अपन ने वहां पढ़ा था, हाँ सेकंड यूनिट में जब अपन ने ऊष्मागतिकी तृतीय नियम नेस्ट का प्रमेय पढ़ा था, नेस्ट थ्योरम में हमने यही कहा था कि क्रिस्टलों के लिए एंट्रोपी का मान जीरो होता है, ये कहा था शायद हमने कि क्रिस्टल्स के लिए जो एंट्रोपी होती है वो क्या होती है, जीरो। उसका रीजन क्या है कि उसके अणुओं में अव्यवस्था नहीं होती, सबसे कम अव्यवस्था होती है किसमें, क्रिस्टल में, उससे थोड़ा सा अधिक हो सकती है ठोस में, उससे थोड़ा ज्यादा होगी द्रव्य में, द्रव में, और उससे थोड़ा ज्यादा होगी गैस, मींस गैस में सबसे ज्यादा अव्यवस्था रहती है, मतलब ये कि उसके अणुओं के बीच की दूरी फिक्स नहीं रह सकती, इंटरचेंज होती रहेगी। इसका मतलब अगर अणुओं के बीच की दूरी फिक्स नहीं रहेगी तो कण वाइब्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है, जैसे आप दो पिंडों को जोड़ लो स्प्रिंग से, दबा दो छोड़ दो, दबा दो छोड़ दो, क्या होगा, वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएगा, यही तो मतलब है उस चीज का। इसका मतलब दोनों परमाणुओं को मिलाने वाली अक्ष के सापेक्ष कंपन के कारण कंपन ऊर्जा, वाइब्रेशनल एनर्जी, अच्छा एक चौथी ऊर्जा और होती है जो पार्टिकल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उस, अब जैसे ही अगर मान लो वाइब्रेशन होता है या घूर्णन होता है या स्थानांतरण होता है, उस सब के कारण परमाणु को जब एनर्जी मिलती है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन रखा होता है उस एनर्जी को गेन करके एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, मींस उससे बाहर निकलने का प्रयास करता है। भाई अगर आप पार्टिकल को एनर्जी दो तो जैसे ही उसकी एनर्जी कार्य फलन के बराबर हुई तो वो परमाणु से बाहर निकलने की प्रक्रिया में आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, तो उसके उत्तेजन अवस्था में आने की भी तो कुछ एनर्जी होती है, और वो क्या होगी, परमाणु के इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन एनर्जी, उत्तेजन ऊर्जा। ये इतनी सारी एनर्जियां अपने किस में काम आती हैं, द्वि परमाणु गैस में, एक परमाणु गैस में केवल ये ऊर्जा काम आती है, ट्रांसफर एनर्जी।
अकेला कण तो कंपन कर ही नहीं सकता, अकेले के कंपन का क्या मतलब है भाई, कंपन के लिए कोई सहारा तो चाहिए, वाइब्रेशन के लिए, किसके रेस्पेक्ट में वाइब्रेशन किया है उसने, किसके रेस्पेक्ट में घूर्णन किया है उसने, ये तो चाहिए। अकेला पार्टिकल का रोटेशन थोड़ी होता है, अकेले पार्टिकल का क्या मतलब है। तो स्थानांतरण ऊर्जा, इसको अपन लिखेंगे ई टी से, टी फोर ट्रांसफर, स्थानांतरण की गतिज ऊर्जा। ये है घूर्णन, घूर्णन को अपन लिखेंगे ई रोटेशन। एक है अपने पास वाइब्रेशन, उसको लिखेंगे ई वी, और इसको लिखेंगे ई ई, ई फोर एक्साइटेशन। इसका मतलब किसी द्विपरमाणु कणु की जो कुल ऊर्जा होगी आपके पास, इसको अपन E से डिनोट कर पाएंगे, और उस E का वैल्यू क्या होगा, ET प्लस ER प्लस EV प्लस EE। ठीक, अब अपन क्या करेंगे, इस कुल ऊर्जा से द्विपरमाणु गैस के लिए किसी संवितरण फलन को डिस्कस कर लेंगे। जैसे अपन मानते हैं जेड इक्वल टू समय सन ई की पावर माइनस के बीटा ई, वो तो किसी एक अवस्था के बारे में बात है, बस अपन इससे एक संवितरण फलन निकालेंगे, सबके लिए अलग अलग उसके बारे में बात करेंगे, और सारी की सारे अलग अलग स्थितियों के बारे में। अगर अपन बात करें जैसे स्थानांतरण के लिए, ये तो हमने पहले भी पढ़ा है कितनी एनर्जी आती है, विशिष्ट ऊष्मा क्या निकलेगी, फिर रोटेशन घूर्णन के लिए, रोटेशन के लिए, फिर वाइब्रेशन के लिए, और फिर एक्साइटेशन के लिए, सबके लिए अलग अलग करके अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो एक बार की रिजॉइन करो, फिर अपन अगली बात करते हैं। सबको समझ आ गई ना बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अपने पास कितनी एनर्जी आई है, चार। एक परमाणु गैस में कितनी एनर्जी होती है, सिर्फ एक, स्थानांतरण की, और इसमें कितनी है, चार एनर्जी। हाँ, तो एक बार की रिजॉइन कर लेना, फिर अपन आगे बातचीत करते हैं।